जाने दीजिए, बच्चों को जाने दीजिए कम से कम। नहीं नहीं नहीं, उन बच्चों को जाने दीजिए, उन बच्चों को जाने दीजिए आप, उन बच्चों नहीं नहीं। भारत सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है जीविका, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। भिखमंगा प्रणाली हम लोग को बना के रख दिया है, मांगे पूरी हो जाएगा तो उनका भी मांगे पूरी कर देंगे। वर्षों से जीविका चला रही है और उसके एवज में जीविका दीदियों को क्या मिल रहा है? काम करवाता है और बेरोजगार बना के रख दिया है इसके, और जब मन तब काम से हटा देता है। वरीय पदाधिकारी हमेशा धमकी देते रहते हैं। ये सभी जीविका दीदी हैं और आज इनकी संख्या देख लीजिए, कितनी संख्या है। गेट नंबर एक से लेकर यहाँ तक पूरी सड़क जाम हो चुकी है, वाहन के आने और जाने में काफी समस्याएं हो रही है। पुलिस बैरिकेडिंग भी कर चुकी हुई है, पुलिस अपनी सुरक्षा देखते हुए बैरिकेडिंग की हुई है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार इन सभी को बहन कहते हैं, तो अपने बहनों सबके बातों को नीतीश कुमार क्यों नहीं मान रहे हैं? काजी आप लोग नीतीश कुमार की बहन है, नीतीश कुमार सबको बहन कहते हैं, तो बातों क्यों नहीं मान रहे आपका भाई? नीतीश कुमार हम लोग को बहन कहते हैं और सड़क पर भीख मंगवाते हैं, घर घर में जाकर कटोरी उठाकर भीख मांगना पड़ जा रहा है, वही है भाई। काम कर रहे हैं, मिल रहा है, क्यों ऐसा क्यों करवा रहे हैं नीतीश कुमार?
हो। हाँ गुस्सा क्यों नहीं होंगे, जो पौधा फल नहीं देगा उसको बुखार फेंकेंगे, जो पौधा फल नहीं देगा उसको बुखार फेंकेंगे। हम लोग नहीं कर रहे हैं दे करके कि हम दीदी लोग को देंगे, नहीं हम लोग कोई नहीं। आज हम लोग किसी को इज्जत कर रहे हैं, आप लोग भैया को इज्जत कर रहे हैं कि हम लोग तोड़ फेंक नहीं रहे हैं। वो हम लोग को क्या इज्जत सम्मान दे रहा है, बोलते हैं कि नारी शक्ति है, क्या नारी शक्ति पर विचार कर रहे हैं नीतीश कुमार? तो क्या कर रहे हैं महिला लोग रोड पर आ जाती, अगर महिला को देते तो महिला आज रोड पर होती, बताइए आज महिला रोड पर किसके वजह से है? अगर मान लीजिए आपकी बातों को बिहार सरकार मान लेती है तो क्या करेंगी फिर? उनको गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। कहाँ बैठे गद्दी बैठा के, कहाँ मेरे बिहार में रहेंगे? दीदी लोग के दिल पर राज करेंगे, प्रधानमंत्री बनने वो भी बना देंगे, हम लोग को मांगे पूरी हो जाएगा तो उनका भी मांगे पूरी कर देंगे। हम लोग में नारी शक्ति में इतना शक्ति है कि प्रधान देखिए छोटे छोटे बच्चों को स्कूल की गाड़ी फंसी हुई है, हालांकि इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि छोटे बच्चों को आप लोग जाने दीजिए, वो लोग भूखे प्यासे बैठे होंगे, नहीं उन बच्चों को आप लोग जाने। आपसे आग्रह रहेगी हमारी, आपसे और प्रशासन से आग्रह रहेगी कि उन बच्चों को जाने दिया जाए कम से कम, क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को एटलीस्ट आप लोग जाने दीजिए। एक तरफ एक बार पीछे मुड़ कर एक बार बच्चों को क्यों हटाए, बच्चों को क्यों हटाए? बच्चों के लिए हम लड़ने के लिए आए हैं, बच्चों के लिए लड़ने आए हैं। उन बच्चों को निकलना चाहिए ताकि उनका नहीं नहीं उन बच्चे को आप लोग जाने दीजिए। ऐसी किसी का मांग नहीं होती है, ऐसे किसी का मांग नहीं होती है। छोटे बच्चे नहीं है चाची, आपके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, हाँ तो उन बच्चों का भी दर्द समझिए। देखिए उन बच्चों को, देखिए उन बच्चों को, देखिए आप नहीं नहीं जगह छोड़िए उनको जाने के लिए, उनको जाने के लिए जगह छोड़िए आप। सर इसको साइड कीजिए, आप उन बच्चों को जान दीजिए, बच्चों को जान दीजिए कम से कम। नहीं 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 उन बच्चों को जाने दीजिए, उन बच्चों को जाने दीजिए आप, उन हमारा बच्चा के बारे में। नहीं नहीं वो बच्चा भूखे प्यासे, इसको साइड कीजिए सर, इसको साइड कीजिए आप लोग। नहीं नहीं आप लोग साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए। आपका यहाँ पे हम साथ नहीं देंगे, यहाँ पे साइड होइए आप निकालिए सर, इसको निकालिए आप। कोई आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ से, कोई आगे नहीं बढ़ेगा चाची, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चों को जाने दीजिए आप लोग, बच्चों को निकालिए साइड, पिछाड़े 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 पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वहां से, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए। इसको थोड़ा इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल बच्चा सबको निकलना चाहिए, आप निकालिए धीरे से। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा चाची, आगे मत बढ़िए आप लोग, आगे मत बढ़िए आप, निकालिए जी निकालिए सर, थोड़ा साइड हुई आप, साइड हुई सर, साइड हुई, निकालिए जी निकालिए, रिक्शा निकालिए आप, रिक्शा निकालिए। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, बंद कीजिए आप लोग, बंद कीजिए धीरे धीरे, जाइए निकालिए 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 रिक्शा, ए निकालिए निकालिए रिक्शा, निकालिए रिक्शा, निकालिए बंद कीजिए। देखिए 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 यही कहा जाता है कि अगर इनको प्रोटेस्ट ही करना है तो शांतिपुर से प्रोटेस्ट कर सकती है, नहीं तो यहीं पे पुलिस जो है इनको लाठीचार्ज करने के लिए इच्छुक हो जाएगी, क्योंकि इनकी भी गलती है। अगर कोई बच्चे की गाड़ी फंसी हुई है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, पहली प्राथमिकता ये है कि उनको जाने की जगह दिया जाए। हालांकि ये लोग जाने की जगह नहीं दे रहे, तो काफ़ी कोशिश और मशक्कत करने के बाद उन बच्चों की गाड़ी जो रिक्शा है निकलवाई गई है। और देखिए इधर से लोग बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है काफ़ी हाई अलर्ट है और इनको आगे यहाँ से नहीं बढ़ने दे रही है। देखिए किसी भी तरीके से लोग बैरिकेडिंग को तोड़ कर आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन प्रशासन अलर्ट है काफ़ी, किस तरीके से प्रशासन एक्टिव है ताकि इनको आगे किसी भी कंडीशन में ना बढ़ पाए। और ये महिलाएं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बैरिकेडिंग को तोड़कर सीधे राजभवन में जाकर लैंड करेंगी, लेकिन लग नहीं रहा कि यहाँ से ही लोग आगे बढ़ पाएंगी, तो इनकी कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है। और जो बिहार पुलिस है अलर्ट है ताकि कोई भी सुरक्षा में किसी भी तरह की दिक्कतें न आए और इनकी भी बातों को सुनी जाए। तो हम बस जानने की कोशिश करें क्या इनकी कोई डेलीगेशन टीम मिलने के लिए जा रही है राजभवन के लिए? अच्छा क्या आपकी कोई डेलीगेशन टीम मिलने के लिए जा रही है? हाँ हम लोग 11 बात हुई है, प्रशासन से बात हुई है, हमारे तरफ से 11 आदमी का मांग है, उन लोगों के द्वारा 5 आदमी का बोला जा रहा है, इसीलिए हम लोग 11 आदमी डेलीगेशन चाहते हैं। ठीक है
टीम जा रही है आपके मिलने के लिए? हाँ, व्यवस्था करके ले जाएंगे तो हम लोग जाएंगे। अच्छा, लेकिन तब तक ये लोग यहीं पे बने रहेंगे। सड़क जाम करेंगे आपके? अच्छा, जब तक हमारी एम्बुलेंस फंसी हुई होगी। एम्बुलेंस के लिए सर बहुत सारा रास्ता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उतना भी निरीक्षर नहीं है कि यहाँ गांधी मैदान में रास्ता नहीं है। जी, आप लोग की वजह से आम पब्लिक को दिक्कत आ रही है। बिहार सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है जीविका, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। भीख मंगा प्रणाली हम लोग को बना के रख दिया है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार विगत 15 वर्षों से जीविका चला रही है और उसके एवज में जीविका दीदियों को क्या मिल रहा है? इसीलिए 1500 हम लोग को काम करवाता है और बेरोजगार बना के रख दिया है इसके, और जब मन तब काम से हटा देता है। वरीय पदाधिकारी हमेशा धमकी देते रहते हैं और उसके बाद जो है 32,000 करोड़ जीविका दीदियों पर लोन है, सबसे पहले वो माफ करे सरकार। जो इनके ऊपर लोन है सरकार, उसको माफ कर दो। इनकी बात ही क्या कहना है साफ तौर पे कि अगर हमारी डेलीगेशन टीम राजभवन मिलने के लिए जाती है, जो प्रशासन है हमारे साथ सहूलियत करेंगे, इन हमारी टीम को मिलवाने के लिए अगर लेकर जाते हैं तो हम लोग तब तक, अगर टीम जाती है तब तक यहाँ पे आंदोलन करते रहेंगे। जब टीम मिलकर आएगी उसके बाद ही आंदोलन खत्म करेंगे, नहीं तो ऐसे ही इसी तरीके से सड़क को हम लोग जाम किए रहेंगे। साफ तौर पे जीविका दीदियों का ये कहना है और जो यहाँ पे और भी आंदोलनकर्मी हैं उनका भी साफ तौर पे ये कहना है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।